जहाँ तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात है या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, एज यू नो, आपने पढ़ा होगा, अभी किसी ने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो किसी ने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इसमें ज़्यादा जो है हम स्टडी करते हैं एक स्टेट के बाहर जो है, मतलब फॉरेन अफेयर्स के साथ ज़्यादा यहाँ डीलिंग करनी पड़ती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यहाँ डीलिंग करनी पड़ती है, इंटरनेशनल लॉ या फॉरेन पॉलिसी क्या होती है वो देखना पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर वार, जैसे कोल्ड वार है या वर्ल्ड वार्स हो चुके हैं, उनके बारे में जानना पड़ता है। इसके अलावा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना पड़ता है। लेकिन बिफोर गोइंग टू इट्स स्कोप एंड नेचर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू व्हाट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टैंड्स फॉर। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं तो हम इसको भी मानते हैं इट्स वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ पोलिटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशंस अमंग गेस्टिवल कंट्रीज, अमंग गेस्टिवल कंट्रीज। तो हम देखते हैं यहाँ पर किसी कंट्री के फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी कैसी है, या ग्लोबल इश्यूज जो है जिसमें करंटली जो ज़्यादा इश्यूज रहते हैं वो एनवायरमेंटल रिलेटेड रहते हैं, और इसीलिए वो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। तो इस वक्त, या अगर पैंडेमिक की बात करेंगे, कोविड-19, वो भी इस वक्त एक ग्लोबल इशू है क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर कंट्री को अपने कवर में नहीं दिया है, बल्कि उसने कवर पूरे एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी को किया है। तो वो भी एक ग्लोबल इशू है, तो वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है। तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बहुत सारे इश्यूज देखते हैं जो एक नेशन स्टेट के रिलेटेड होते हैं, और नेशन स्टेट के अलावा जो ग्लोबल वर्ल्ड के साथ रिलेटेड होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंटरनेशनल लॉ के बारे में हो, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ आपकी कैसी रिलेशन है, या किसको कहाँ पर डिस्प्यूट्स है, तो पीसफुल सेटलमेंट के बारे में यहाँ स्ट्रेस दिया जाता है। टेक्निक्स होती हैं फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, पीसफुल सेटलमेंट के लिए कुछ टेक्निक्स भी होती है, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये डिस्प्यूट चले जाते हैं। तो वो सब हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और बहुत सारे थिंकर्स ने बात की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, और एक पॉपुलर सेइंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में दी है हैंस जे मोर्गेंथो ने। मोर्गेंथो ने इसके बारे में बता दिया है, इट इज़ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशन। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में मोर्गेंथो ने बोला है, ये स्ट्रगल है, इट इज़ स्ट्रगल फॉर पावर, इट इज़ स्ट्रगल फॉर पावर और यूज़ ऑफ पावर अमंग नेशनस, तो ऐसा मोर्गेंथो ने कहा है। तो किसी ने इसको बोला है, जैसे पालमर और परकिंस ने इसको बोला है, इट इज़ अ सब्जेक्ट रिलेटेड विद द स्टेट सिस्टम। तो ये वो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो स्टेट सिस्टम के रिलेटेड होता है, जो स्टेट सिस्टम के रिलेटेड होता है। तो मोर्गेंथो ने यहाँ पर वार या पावर की बात की है, स्ट्रगल फॉर पावर और यूज़ ऑफ पावर अमंग नेशंस, या पर्मर और पर्किंस ने बोला है ये वो सब्जेक्ट है दैट इज़ कंसर्न विद द स्टेट सिस्टम। और जहाँ तक ओरिजिन की बात है, या इन जनरल अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को जब हम डिफाइन करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग गेस्टिवल कंट्रीज़। तो फिर उन रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, चाहे वो कोएलिशन या बैलेंस ऑफ पावर की बात हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं कहीं पर, तो ये सारी चीज़ें आती है फिर इंटरनेशनल सिस्टम में। और जहाँ तक ऑरिजन है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल सिस्टम की, एंशिएंट ग्रीस से आए हैं इसका ऑरिजन। अगर थ्यूसिडाइडस की बात करेंगे, अगर हॉब्स की बात करेंगे तो मेडिवल टाइम्स में भी है। तो थ्यूसिडाइडस की अगर बात करेंगे तो एंशिएंट ग्रीस से है वो, पेलोपोनेशियन वार से है वो, तो वहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है वो ऑरिजन हम देख सकते हैं। क्योंकि रियलिज्म के बारे में अगर क्लासिकल रियलिज्म को देखेंगे तो थ्यूसिडाइडस से वो स्टार्ट होती है। तो थ्यूसिडाइडस एंशिएंट ग्रीस में थे वो, तो एंशिएंट ग्रीस से हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो ओरिजिन है देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिवल टाइम्स में अगर देखेंगे थॉमस होब्स की बात हो या माकियावली की बात हो, वो भी कंसिडर किए जाते हैं एंशिएंट रियलिस्ट्स। तो मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये मिडल एजेस यानी मेडिवल टाइम्स में भी था, और ये एंशिएंट ग्रीस से चलता आ रहा है। और अगर मॉडर्न टाइम्स में अगर देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडर्न टाइम्स में वो ये है, जो पहली चेयर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो कहाँ फॉर्म हुई। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सबसे बड़ा जो इसको माइलस्टोन मिला है मॉडर्न वर्ल्ड में, वो कब इसको मिला है, वो 1919 में मिला एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स इंग्लैंड। द फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और द फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वाज फाउंडेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स इंग्लैंड इन 1919। और जो स्कोप है ये जो
स्कोप है या इवोल्यूशन है जो इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो ज़्यादा बढ़ गया आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे नेशनल्स जो है वो वजूद में आने लगे, बहुत सारे लिबरलाइज होने लगे, इंपेरियलिज्म धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और जो सिस्टम बनने लगा इंटरनेशनल सिस्टम वो खासा वाइड होने लगा था, वो खासा वाइड होने लगा था। तो सो वी कैन से दैट दी ओरिजिन, एज फार एज ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न, वी कैन गो बैक टू एंशंट टाइम्स, एंशंट ग्रीस, देन मेडिवल टाइम्स, एंड इन मॉडर्न एज अगर हम देखेंगे तो वो 1919 से आया है। इवन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पास्ट में इन 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जहाँ तक स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात है। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 और ये जो फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1919 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टू माइलस्टोन्स इन दी एरिना ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और जहाँ तक बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नेचर और स्कोप की, स्कोप तो इसका बहुत वाइड है, वी विल गो टुवर्ड स्कोप लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टुवर्ड्स इट्स नेचर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेचर, इसमें जो नेचर है उसमें क्या आता है, एज फार एज नेचर इज कंसर्न, इसमें सबसे पहली बात जो है आपने स्टडी करना है नेशनल्स को। तो नेशनल्स आर द प्राइमरी एक्टर्स हियर, वी हैव टू स्टडी वन स्टेट एंड वी हैव टू स्टडी दैट वेरी स्टेट इन रिलेशन टू इट्स नेबर्स, इन रिलेशन टू हर एक्सटेंडेड रिलेशन्स टूवर्ड्स अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड और यूएन, वी कैन से। तो नेशंस आर द प्राइमरी एक्टर्स हियर, नेशंस आर द प्राइमरी एक्टर्स। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं नेशन स्टेट को, इसकी पावर लेवल कैसी है, इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी है। तो फिजिकल पावर जिसको हम कह सकते हैं हार्ड पावर अगर देखेंगे, मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी है, या अगर स्ट्रक्चरल पावर, इकोनॉमिक पावर इसका कैसा है, एंड व्हाट अबाउट कल्चर। तो कल्चर में यानी सॉफ्ट पावर में एक कंट्री कैसी जा रही है, इसकी इकोनॉमी कैसी है, इसकी रिलेशंस विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विद अदर कंट्रीज कैसी है, नेबरिंग कंट्रीज के साथ इसकी कैसी रिलेशन है, और जो इस एरिया में इस स्टेट की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इस कंट्री के साथ साथ इसकी नेबर कंट्रीज की, उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा दबदबा है, या अपने सब कंटिनेंट में जो भी इसका कंटिनेंट होगा इस नेशन स्टेट का जिसको हम स्टडी कर रहे होंगे, उसमें ये कितनी ताकतवर मानी जाती है, और कहीं इसको कोई और काउंटर तो नहीं कर रहा है। तो वी आर स्टडिंग हियर अ नेशन, सो वी कैन से जहाँ तक नेचर की बात है जो नेशनल्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी एक्टर्स। वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरनेशनल सिस्टम डेफिनेटली वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनी नेशन, डेफिनेटली वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनी नेशन, चाहे वो फिर पीस की बात हो या वार की बात हो या एग्रीमेंट्स की बात हो या किसी की फॉरेन पॉलिसी की बात हो, या एक नेशन के रिलेटेड वो कितना पावरफुल है कितना वीक है, उसकी पॉलिसी कैसी है, कौन उसके दोस्त है और कौन उसके दुश्मन है, ये हम नेशन को देखते हैं, नेशन को स्टडी करते हैं। तो नेशन इज आर द प्राइमरी एक्टर्स हियर, नेशन को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। इसके अलावा ये जो नेशन होता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट सर्वाइवल देयर शुड बी, देयर इज ऑलवेज अ नेशनल इंटरेस्ट एज द प्रायोरिटी। नेशन को सर्वाइव करने के लिए इसका नेशनल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। नेशनल इंटरेस्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल इंटरेस्ट ये भी हो सकता है, आई हैव टू डिफीट अदर कंट्रीज, अदर नेबरिंग टेरिटरीज, जिनको मुझ पर बुरी निगाहें हैं, मैं उनको हरा सकता हूँ, मैं उनको हरा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये नेशन, एक नेशन की सोच है दैट वी हैव टू क्रश अदर्स हु आर हैविंग बैड आई टूवर्ड्स, हु आर हैविंग एविल आई टूवर्ड्स अस, वी विल डिफीट दम, वी विल क्रश दम। तो हमारे पास उतनी मिलिट्री और टेक्निकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उनको सरपास करें, हम उनको डिफीट दे दें। तो नेशनल इंटरेस्ट, एक तो आपने पावरफुल बनना है, दूसरा आपने अपने दुश्मनों को हराना है, तीसरा आपने अपने रीजन में दबदबा कायम रखना है, और चौथा आपने बड़े बड़े देशों के साथ क्या करना है, एग्रीमेंट्स करने हैं, सो दैट व्हेन एवरीबॉडी विल बी अपोजिट टू यू, जो आपके पार्टनर्स होंगे बिग पावर्स, दे विल असिस्ट यू इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो नेशनल्स आर द प्राइमरी एक्टर्स, देन देयर इज नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में सबसे पहले यू आर थिंकिंग ऑफ द नेशन, यू आर थिंकिंग ऑफ द नेशन दैट यूर नेशन शुड बी प्रॉस्परस, इट शुड बी वेल डेवलप्ड, एंड इट शुड बी मिलिटरली प्रेटी स्ट्रांग। और जहां तक इस नेशनल इंटरेस्ट की बात है, यू विल अचीव यूर नेशनल इंटरेस्ट, अ नेशन इज अकॉम्प्लिशिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट ओनली इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर। जैसे अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पावर की बात क्यों आती है, यू पीपल मे बी रिमेंबरिंग दिस, व्हेन बिन लादेन वाज किल्ड ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन्स, तो जो प्रेसिडेंट वहाँ थे, पहले बुश थे फिर ओबामा थे,
तो ओबामा ने क्या कहा था, या बहुत बार बुश ने भी कहा था जब वो तालिबान पे अटैक कर रहे थे, अफगानिस्तान में अटैक कर रहे थे, या बिल क्लिंटन के दौर में जब वो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कर रहे थे, कोसोवो में कर रहे थे एक्शन, कीनिया में कर रहे थे एक्शन ज्यूरिंग 1990s अंडर द रेन ऑफ प्रेजिडेंट बिल क्लिंटन, या उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश या बराक ओबामा, तो वो हमेशा ये बात करते रहे हैं मिशन अकॉम्प्लिश्ड, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। जैसे उन्होंने 9/11 के बाद क्या स्टार्ट किया, वार ऑन टेरर, ग्लोबल वार ऑन टेरर, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी जहां भी किलिंग्स की है तो उनका एक पॉइंट ही रहता था, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। तो वो जो मिशन अकॉम्प्लिश्ड है वो अलग बात है, वो उसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे, लेकिन एज अ नेशन वो कहते थे इट वॉज अ प्रायोरिटी एज फार एज अवर नेशनल इंटरेस्ट वर कंसर्न आफ्टर 9/11। 9/11 तो नेशनल इंटरेस्ट प्राइमरी प्रायोरिटी होती है एक नेशन की, और नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर, अ नेशन कैन गेट इट्स इंटरनेशनल गेट्स नेशनल इंटरेस्ट ओनली इन टर्म्स ऑफ पावर, और अगर कोई दूसरा ऑप्शन होगा वो ये हो सकता है इन एग्रीमेंट इन कोएलिशन विद अदर स्टेट्स, इन कोएलिशन विद अदर स्टेट्स। तो नेचर में जब हम देखते हैं तो नेशनल प्राइमरी एक्टर्स होते हैं, उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी होता है, तो नेशनल इंटरेस्ट मेन ऑब्जेक्टिव रहता है एक नेशन का एज फार एज इट्स सर्वाइवल इज कंसर्न, एज फार एज इट इज ग्रोइंग स्ट्रेंथ और ग्रोइंग स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी इन द वर्ल्ड अफेयर्स इज कंसर्न, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा एक नेशन की प्रायोरिटी रहती है। और ये नेशनल इंटरेस्ट एक नेशन तब अचीव करती है जब उसके पास पावर होता है, तो पावर इज बोथ एज अ मीन्स एंड एन एंड, तो स्ट्रगल फॉर पावर कंसिस्टेंटली नेशंस आर एट रेस टू इंक्रीज देयर पावर, टू एनहेंस देयर पावर, टू स्ट्रेंथन देयर मोर देयर पावर डे बाई डे। फॉर एग्जाम्पल दे आर टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, दे आर मेकिंग न्यूक्लियर स्टॉक पायल्स, क्यों बनाते हैं वो हथियार, ओनली टू गेट मोर एंड मोर पावरफुल, सो दैट कभी अगर उनको जंग लड़नी पड़े तो वो हार ना जाए, तो वो हार ना जाए बल्कि यहाँ से वो अच्छी तरह डिटरेंस दिखाएं, यहाँ से वो अच्छी तरह डिटरेंस दिखा सके, तभी वो अपनी जो हथियार की ये है प्रोलिफरेशन वो बढ़ाते रहे हैं, वो बढ़ाते रहे हैं। या बहुत सारे नेशन ऐसे भी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हाइड स्ट्रेटजी अपनाते हैं, हाइड स्ट्रेटजी ऐसे अपनाते हैं जैसे उनके नेशनल डेज होते हैं, वो अपने इन नेशनल डेज के दौरान पूरे हथियार नहीं दिखाते हैं, वो मिसाइल नहीं दिखाते हैं, या वो जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं UAV, वो ये नहीं दिखाते कि हमारे पास कितनी मिलिट्री या ये टेक्निकल स्ट्रेंथ या टेक्निकली हम कितने सोफिस्टिकेटेड स्ट्रांग है, वो नहीं दिखाते हैं ये, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं वर्ल्ड देखे हमारे पास नहीं है, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग अ हाइड स्ट्रेटजी। क्यों हाइड स्ट्रेटजी मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना इज मेंटेनिंग हाइड स्ट्रेटजी, इसके नेबर्स है इंडिया पाकिस्तान या बाकी रशिया जापान, वो हाइड स्ट्रेटजी क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो हाइड स्ट्रेटजी इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि फॉर एग्जाम्पल टू काउंटर यूनाइटेड स्टेट्स, टू काउंटर यूनाइटेड स्टेट्स, मे बी अगर उनकी वार हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जो भी वार होगी तो यूनाइटेड स्टेट्स शायद ये सोच रही होगी कि चाइना के पास हथियार नहीं है तो वो ओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाइना जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल सिस्टम में ये है, ये एक बड़े पावर को आप कैसे मात दे सकते हो, आप उसको मात दे सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, और उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये रहता है यू आर मेंटेनिंग हाइड स्ट्रेटजी, आप हथियार बना रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मीडिया में नहीं दे रहे हैं, आप वर्ल्ड प्रेस में ये न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, आप पॉम्प एंड शो नहीं कर रहे हैं परेड्स पे, नेशनल डेज पे, तो वो हाइड स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट मैंने नेचर में बता दिया, जैसे नेशनल प्राइमरी एक्टर्स होते हैं, उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव रहता है, और ये जो नेशनल इंटरेस्ट होता है ये इन टर्म्स ऑफ पावर होता है, ओनली द पावरफुल नेशन कैन गेट इट्स कैन अचीव और अकम्पलिश इट्स नेशनल इंटरेस्ट, और ये जो पावर होता है इट इज़ बोथ अ मीन्स एज वेल एज एन एंड, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम इज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में ये भी आ जाता है, जैसे आप मे बी आपने या स्किल कोर्स में आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा अभी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट एक कंपलसरी सी बात है, एक कंपलसरी सी बात है या एक ज़रूरी सी कंडीशन बन चुकी है इंटरनेशनल सिस्टम में, कॉन्फ्लिक्ट इज़ द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें आमतौर पर बातों बातों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, कभी ज़मीन के टुकड़े पे, तो कभी क्लाइमेट पे, तो कभी पोल्यूशन पे, कभी टेरिटरी को वायलेट करने पर, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने पर आपके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के नेचर में ये आता है, कॉन्फ्लिक्ट इज़ द कंडीशन इन इट, कॉन्फ्लिक्ट यकीनी तौर पर रहता है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज, मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज ऐसी है जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, और अगर कोई रीजन, कोई कंट्रीज, कुछ कंट्रीज अगर हैं जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है
वो अच्छी कंट्रीज़ हैं। क्यों अच्छी कंट्रीज़ हैं? उनके साथ किसी का तसादम नहीं है। और अगर दुनिया में अगर उन कंट्रीज़ को हम देखेंगे तो उनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वो पीसफुल और प्रॉस्परस कंट्रीज़ है जो यूरोप के नॉर्थ जोन में आती हैं, चाहे वो फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, या इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ होगी जो ऊपर आती हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये कुछ कंट्रीज है, या स्विट्जरलैंड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये वो कंट्रीज है जिनको जिनका नाम है, मतलब जिनको ग्रुपिंग के तौर पे जब हम देखते हैं तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। ये वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जिन्होंने, जब श्रीलंका में डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हाला कम्युनिटी, तो यूएन से पहले वहाँ पर जो इंटरफियर किया था वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने कहा किया था, सो दैट टू रेस्टोर पीस एंड नॉर्मलसी इन द रीजन। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पीसफुल और प्रॉस्परस कंट्रीज है। लेकिन जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट की बात है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कभी कभार आप इसको आपस में बैठ के फेस टू फेस सॉल्व करते हो, एग्रीमेंट्स करते हो, इसको सॉल्व करते हो, कभी कभार आप इस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाते हो, तो कभी कभार कोई तीसरा देश आ जाता है, वो मेडिएट करता है, मेडिएट इन द वे, फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर, नाउ रशिया, देन यूएसएसआर इन 1996, 10th of January, बिटवीन इन 1966 रादर 1966, आफ्टर इंडो पाक वार ऑफ 1965, यूएसएसआर मेडिएटेड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो न्यूट्रल वेन्यू पे ले गया दोनों कंट्रीज को। कहाँ ले गए? वो ताशकंद ले गया इंडिया पाकिस्तान को, और वहाँ पर इनके बीच मेडिएशन करके जो जंग थी 1965 वो ख़त्म हो गई। जो बॉर्डर्स पे फौजें हैं उनको थोड़ा सा हम पीछे लें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है उनको हम प्रमोट करें, उन पर हम सिट्रस दे दें। तो मेडिएट किया था यूएसएसआर ने, थर्ड कंट्री यहाँ पे आ जाती है, वो आपके बीच क्या करती है, वो मेडिएट कराती है, नेगोशिएशन कराते हैं ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सॉल्व हो जाए। तो बहुत सारी टेक्निक्स है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर देखेंगे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को ही देखेंगे, मैक्सिको के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है, अगर इंग्लैंड को वहाँ पर देखेंगे, इंग्लैंड का स्कॉटलैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, या कभी कभार नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है। इंडिया पाकिस्तान या चाइना, इनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। और तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इट इज़ द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और उसके बाद जो मैंने नेचर में बताया, जैसे नेशंस आर प्राइमरी एक्टर्स, नेशनल इंटरेस्ट एज द ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर बोथ एज अ मीन्स एंड एन एंड, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको आपने रिजोल्यूट भी करना होता है, सॉल्व भी करना है। तो सो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज हेयर, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, चाहे आप फेस टू फेस बायलेटरल लीडरशिप जो बैठे दो कंट्रीज की जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई तीसरा देश आपको क्या करा सकता है, आपको सलाह करा सकता है, आपके बीच जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करा सकते हैं तीसरा देश, जब इंटरफेयर करेगा, मेडिएट करेगा, या आपको नेगोशिएशन पे राजी करेगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल सिस्टम है, हेयर इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इंट्रैक्शन अमंग नेशंस। तो कंटिन्यूअस इंट्रैक्शन अमंग नेशंस, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सार्क में इंडिया का रोल, सार्क कंट्रीज के साथ इंडिया का रोल, ठीक है, सार्क एक वीक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्यों वीक है? बिकॉज ऑफ इंडो पाक डिफरेंसेस, अदरवाइज आसियान स्ट्रांग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान के साथ इस वक्त इंडिया मतलब अपनी होल्ड स्ट्रांग बना रहा है, क्योंकि वो इसका डायलॉग पार्टनर के साथ साथ तो ऑब्जर्वर भी है। और आसियान की जानिब जो इंडिया की पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नाउ इट इज द टाइम टू एक्ट, नाउ इट इज द टाइम टू enforce what we are saying on in press conference and agreements, we have to act now in a practical way on ground. तो इंडिया की इंट्रैक्शंस वर्ल्ड में कैसे हैं? जैसे कंटिन्यूअस इंट्रैक्शंस है अमंग नेशंस, अगर इंडिया की अमेरिका के साथ देखेंगे तो वहाँ पर इंडिया, अमेरिका और जापान, मैंने शायद पास्ट में भी बता दिया, जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो जापान एक ट्रायंगल है और दूसरा क्वाड्रेटरल है। जब ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल में आ जाता है इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो बनाता है जाई, JAI, जापान, अमेरिका, इंडिया। वो ये वो जो ट्रायंगल है, इनकी ये आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जस्ट काउंटर बैलेंस चाइनीज राइजिंग पावर इन एशियन सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा अगर अब ये तो ट्रायंगल हुआ, अब अगर इंडिया की कंटिन्यूस इंट्रैक्शन देखेंगे क्वाड्रेटरल में, तो क्वाड्रेटरल में ये तो ट्रायंगल था, अब क्वाड्रेटरल में ऐड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्वाड जो बन जाता है, QUAD, क्वाड। ये क्वाड जो है इसमें चार कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, नीचे ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो यहाँ पर क्वाड्रेटरल बनता है, और इनका भी मकसद यही रहता है कि हम काउंटर करें चाइना को। लेकिन दूसरे साइड से अगर देखेंगे,
चाइना को काउंटर ही नहीं बल्कि इसके साथ क्लोज भी है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडिया उसका मेंबर है, चाइना उसका मेंबर है, पाकिस्तान उसका मेंबर है, रशिया उसका मेंबर है। लेकिन अगर हम देखेंगे, अब एक और ट्रायंगल आ जाता है, रिक, जिसको रिक बोलते हैं, RIC, रशिया, इंडिया और चाइना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक ट्रायंगल ऐसा है जिसमें इंडिया काउंटर करता है चाइना को, क्वाड्रेटरल ऐसा है जिसमें चार देश चाइना को काउंटर करते हैं, एक ट्रायंगल ऐसा है जहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो। तो ये वो टर्मिनोलॉजी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट इंट्रैक्शन अमंग वर्ल्ड कंट्रीज। सो इट वॉज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद हम आते हैं स्कोप की ओर। जब हम स्कोप को देखते हैं, पास्ट में जब हम पोलिटिकल साइंस का स्कोप देखते थे इन जनरल, चाहे वो कंपेरेटिव का स्कोप हो या पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप हो, हम उसमें डायरेक्टली भी बोलते थे स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर और पब्लिक बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर हम स्टडी करते थे, या पॉलिटिकल साइंस में स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन अमंग नेशन, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो स्कोप होता था पॉलिटिकल साइंस का। इस तरह जब हम स्कोप देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, सबसे पहले इसमें आता है स्टडी ऑफ स्टेट। स्टेट के एक्टर्स के बारे में हम देखते हैं, स्टेट की मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्टेट का फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेट की जो सॉफ्ट स्ट्रेंथ है या स्टेट का जो हार्ड पावर है वो कैसा है। नेशनल पावर के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, नेशनल पावर, फिर उसमें इंटरेस्ट आ जाता है और इंटरेस्ट के साथ साथ पावर स्ट्रेंथ भी आप देखते हैं। और यहाँ पर हम कभी कभार ये भी देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर, अगर वो हथियार बना रहे हैं तो आप भी हथियार बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने हथियार नहीं बनाए, वो दूसरा जो पड़ोसी है आपका हथियार बना रहा है, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। लिहाजा बैलेंस करने के लिए आपके पास भी पावर का होना जरूरी है, आप भी हथियार बनाते हो, सो दैट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर अगेंस्ट ईच अदर और इन द रीजन, इन द रीजन। तो बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर आता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोल्ड वार के दिन चल रहे थे 1945 से, तो सबसे पहला मिलिट्री ग्रुप जो बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स से पहले USSR ने बनाया था, USSR ने जो बनाया था उसका नाम था कॉमन फॉर्म, COMINFORM, कॉमन फॉर्म। वो एक वीक ग्रुप था जस्ट टू काउंटर कैपिटलिज्म, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम में हम देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1949 में नेटो बना दिया, फिर 1954-55 में सीटो और सेंटो रेस्पेक्टिवली बनाए, वो बाद में ख़त्म हुए, लेकिन नेटो अभी भी बरकरार है। या USSR ने तब बनाया था, पोलैंड में उन्होंने बनाया था, वारसा पैक्ट उन्होंने बनाया था, पोलैंड की राजधानी के नाम पे वो रखा था वारसा पैक्ट, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुई USSR की, तब वो मिलिट्री ग्रुप भी खत्म हुआ। तो ये मिलिट्री ग्रुप्स थे, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम था। और कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की प्रिंसिपल क्या रहती है? एन अटैक ऑन वन इज कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल। जब एक पे कोई, फॉर एग्जाम्पल नेटो के करंटली 29 मेंबर्स हैं, 29 मेंबर्स में से एक किसी एक पे हमला हो जाता है, बाहर से कोई 29 के बगैर, बाहर से कोई देश इन 29 में से किसी पे हमला कर देता है, और जवाबी कार्रवाई करने के लिए 29 के 29 देश वापस उस कंट्री पे अटैक करते हैं जिसने इनमें से एक मेंबर पे हमला किया था। दिस इज द प्रिंसिपल एंड पॉलिसी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर UN ऑपरेशंस अगर हम देखेंगे, जो सिक्योरिटी काउंसिल ऑपरेशनलाइज कराती है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू एक्ट अगेंस्ट द एग्रेसर, फॉर एग्जाम्पल एग्रेसर इराक को कंसिडर किया गया 1991-1992 गल्फ वार में जब एग्रेसर इराक था, इसने कुवैत की टेरिटरी पे कब्जा किया था, फिर कुवैत से निकलने के लिए इसने इनकार किया था, फिर UN को क्या करना पड़ा, मिलिट्री एक्शन करनी पड़ी। उसको सुपरवाइज कर रही थी यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि 75% फौज यूनाइटेड स्टेट्स की थी, लेकिन सुपरवाइज कर रही थी ऑपरेशंस फर्स्ट गफ्फार में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अभी अगर पीस कीपिंग फोर्सेस भेजते हैं या किसी अग्रेसर के अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शन करते हैं, दैट इज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, दैट इज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को आपने सॉल्व करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी इसमें आता है, इसमें इंपेरियलिज्म भी आता है। फॉर एग्जाम्पल इंपेरियलिज्म की अगर बात करेंगे, इंपेरियलिज्म में जब हम देखते हैं, तो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म ऑन इंडिया पाकिस्तान टिल 1947, या ब्रिटिश के अलावा अगर फ्रांस को देखें, फ्रांस ने किसी इलाके पर कब्जा किया था, रशिया ने कब्जा किया था, इटली ने कब्जा किया था, स्पेन ने कब्जा किया था। तो ये पुराने दौर में जब सल्तनतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें चल रही थी, बड़े बड़े ये जो चल रहे थे सिविलाइजेशन, तब ये मीटिंग्स कर रहे थे, एफ्रो एशिया से बाहर जो यूरोपियन पावर्स थे ये मीटिंग्स बुलाते थे,
मीटिंग्स क्या बुलाते थे, ये मीटिंग्स बुलाते थे हम उस्मानिया को कैसे, कौन सा हिस्सा किसको देंगे, उस्मानिया का कौन सा हिस्सा हम किसको देंगे, अरब किसको देंगे, अफ्रीकी ऊपरी हिस्से किसको देंगे। तो ये वहाँ पर ये कर रहे थे, ये दुनिया को बांट रहे थे, और इन्होंने अपने सामने मैप बना रखा था, और मैप को इन्होंने डिफरेंट कलर से सजाया था। उस मैप को इन्होंने डिफरेंट कलर से क्यों सजाया था, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो उस्मानिया है उसको 72 नेशंस में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उन 72 कलर से इन्होंने सजाया था, बनाया था उस मैप को, और बहुत सारे रेसिस की बुनियाद पे इन्होंने कंट्रीज बना दिए। तो जैसे मैं बता रहा था इंपेरियलिज्म, तो इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी इनकी देखो कैसी थी। आज ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, लेकिन तब क्या सोच रहे थे कि किस देश पे, किस हिस्से पे हम कब्जा करेंगे, किस हिस्से पे हम काबिज रहेंगे, सो दैट टू स्नैच द रॉ मटेरियल्स, उनसे कम पैसे में रॉ मटेरियल्स लेंगे, और यहाँ से बहुत महंगे दाम में हम उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट देंगे। दैट वॉज एक्सप्लॉयटेशन, तो दैट वॉज इंपेरियलिज्म। और इंडिया पाकिस्तान में ये रहे 1947 तक, दैट वॉज इंपेरियलिज्म, क्योंकि वो खुद भी यहाँ थे, उनकी मिलिट्री भी थी और खुद उनके ऑफिशियल्स भी थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे नियो इंपेरियलिज्म की बात अगर करेंगे, तो इंपेरियलिज्म में ये खुद यहाँ थे, डायरेक्ट इनका कंट्रोल था, लेकिन नियो इंपेरियलिज्म में ये खुद नहीं होते हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज रहती है, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2003 के बाद जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ, सेकंड गफ्फार जो हुआ, अमेरिका वर्सेस इराक, जॉर्ज बुश वर्सेस सदाम हुसैन रिजीम, तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद वहाँ नूरी अल मालकी की हुकूमत बनी, बट दैट वाज अ पापेट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पर नियो इंपेरियलिज्म आ गई, क्योंकि पॉलिसीज ठीक है, गवर्नमेंट इराक की थी, लेकिन पॉलिसीज किन की फॉलो हो रही थी, जैसे अमेरिका चाह रहा था। एंड सेम हैपेंड इन अफगानिस्तान आफ्टर 9/11 अटैक्स, जब हामिद करजई आ गया। तो ये वो चीज़ें होती है जो नियो इंपेरियलिज्म को ग्लोरीफाई कर रही है। तो इंपेरियलिज्म जहाँ 1947 तक इंडो पाक पे रहे ब्रिटिशर्स, दैट वाज इंपेरियलिज्म। तो न्यू इंपेरियलिज्म वो बात है जहां पर इनका कंट्रोल रहेगा, लेकिन ये खुद नहीं रहेंगे, तो इनकी पॉलिसी चलती रहेंगी, इनके लिए काम हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है न्यू इंपेरियलिज्म में। उसके बाद स्कोप में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती है, चाहे पास्ट में अगर देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो फ्रूट रहा है, वुड्रो विल्सन ने जो फाउंड किया था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन लीग ऑफ नेशंस एक वीक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर वो वीक ना होती तो सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, तो सेकंड वर्ल्ड वार हो जाता है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और उसके तहत बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरबियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन स्टेट्स हो, यूरोपियन यूनियन हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, ब्रिक्स हो, वर्ल्ड जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो ब्रिक्स, या आसियान हो, या इसके अलावा एपेक हो, ओपेक हो, साक या आसियान हो, ये सारी जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पॉपुलर होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनके मेम्बर्स होते हैं, लेकिन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो महदूद होती है एक रीजन के तहत। फॉर एग्जाम्पल साक साउथ एशिया में, आसियान साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोपियन यूनियन यूरोप में, एपेक जो पेसिफिक है इसके अराउंड है, या अगर देखेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिया के नॉर्थ साइड में जो चाइना के एरियाज आते हैं और सेंट्रल एशिया के एरियाज आते हैं, वहाँ की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो गफ कोऑपरेशन काउंसिल, गफ कंट्रीज़ की, चाहे वो UAE हो, ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है गफ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रीजन तक महदूद होती है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो पॉपुलर होती है वर्ल्ड वाइड, जिनकी मेंबरशिप होती है। इसके अलावा हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो कोल्ड वॉर को बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलिट्री ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया था, और उन्होंने तीसरा महाज खड़ा किया था, और वो तीसरा महाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, ये हम बाद में देखेंगे जब ये पढ़ना होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कोल्ड वॉर भी आता है, 1945 से 1991 तक रहता है, बहुत सारे इसके फेजेस रहते हैं, इसके इम्पैक्ट्स रहते हैं, इसके बड़े काजेज होते हैं। इसके अलावा हम इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल लॉज को देखते हैं, चाहे वो लॉज ऑफ द सी हो, लॉज ऑफ लैंड हो, या लॉज ऑफ एयर हो, तो इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल लॉ को भी हम स्टडी करते हैं, और कुछ यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी देखते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अभी अगर देखेंगे इंडिया एक अलायंस करता है अमेरिका के साथ, तो साइकोलॉजिकली एक दबाव बन जाएगा पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान चाइना के साथ फिर वहां पर कोलैबोरेट करता है, तो वहां पर वो अलायंसेस को काउंटर करते हैं, तो अलायंस मेकिंग सिस्टम इज हियर। जैसे नेटो है, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, बट दैट इज एन अलायंस एज वेल, अलायंस ऑफ 29 कंट्रीज,
तो इसी तरह जो कंट्रीज़ है ये आपस में ग्रुपिंग करके अलाइंसेस बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आर्म्स कंट्रोल हथियार बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रीज़ बनाते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं तो लिमिटेड वेज में हमें बनाना चाहिए, या अगर हमारे पास ये स्टॉक पाइल है हम इसको तबाह करेंगे तो एक एग्रीमेंट के तहत दूसरी कंट्री के साथ मिलकर आप कुछ हथियार बनाते हो और कुछ हथियार तबाह करते हो और स्ट्रेस करते हो डिसआर्ममेंट पे ताकि वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी कायम रहे। इसके अलावा हम यहाँ पर आइडियोलॉजीज देखते हैं, जो अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, चाहे वो आइडियलिज्म हो, चाहे वो रियलिज्म हो, चाहे वो लिबरलिज्म हो, डिपेंडेंसी हो, या मार्क्स्ट आइडियोलॉजी हो, वो सारी आइडियोलॉजीज जो है वो हम यहाँ स्टडी करते हैं। और करंट इश्यूज़, और करंट इश्यूज़ में अगर देखेंगे तो करंट इश्यूज़ में ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आती है। ठीक है, आपने डेवलपमेंट करना है, यू हैव टू प्रॉस्पर, यू हैव टू सर्वाइव योर लाइवलीहुड, यू हैव टू मेंटेन प्रॉस्पेरिटी, बट यू हैव टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एज वेल। तो करंट इश्यूज़ भी इसमें आते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, कम्बैटिंग टेररिज्म हो, या न्यू इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज हो, वो सारे करंट इश्यूज़ में आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में स्टडी करते हैं। एंड होपफुली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी द डिफरेंट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।